दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसा बिजनेस शेयर करने जा रहा हूं जो आप लोग बिल्कुल फ्री में बगैर किसी इन्वेस्टमेंट से अपने घर से शुरू कर सकते हैं और महाना हजारों रुपए कमा सकते हैं। जी हां नाजरीन, आप लोग जो अपनी स्क्रीन पे एक प्लास्टिक की डोरी या प्लास्टिक की रस्सी देख रहे होंगे, ये इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की बोतलों से बनाई गई हैं। आप लोग प्लास्टिक की बोतलों से ये प्लास्टिक की डोरी कैसे बनाएंगे और इसको कहां पर सेल करेंगे, क्या तरीकेकार है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और यकीन कीजिए नाजरीन, ये पाकिस्तान का पहला बिजनेस है जो आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अभी तक किसी भी बंदे ने YouTube चैनल पर इस बिजनेस के हवाले से कुछ भी अपलोड नहीं किया, तो ये पहली वीडियो है और आप लोग पहली बार ही YouTube चैनल पर देख रहे होंगे। नाजरीन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो डोरियां हैं प्लास्टिक की, जो इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की बोतलों से बनाई जाती हैं, क्या ये सेल भी होती हैं या नहीं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर प्रूफ देख रहे होंगे, ये मिनिमम $5 से $10 और $10 से महंगी भी ऑनलाइन सेल हो रही हैं। आप लोग इसको ऑफलाइन भी सेल कर सकते हैं और ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। अभी इसका मतलब पाकिस्तान में लॉन्च ही नहीं हुई ये प्लास्टिक की डोरी या प्लास्टिक की रस्सी, तो आप लोग इसको नए सिरे से मार्केटिंग करके पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो यकीनन नाजरीन आप लोगों का ये जो प्रोडक्ट है ये सेल होगा। थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, लोगों को आगाही देनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा भाई ये डोरी हम लोगों ने तैयार किया है, ये रस्सी बनाई है, बहुत मजबूत है। इस रस्सी से नाजरीन आप लोग चाहे गाड़ियां भी खींच ले वो खींची जा सकती हैं। जितना भी आप लोग वजन इस डोरी से, प्लास्टिक की डोरी से खींचना चाहे वो आप लोग खींच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत डोरी है। तो आप लोग इसमें 3-4 और डोरियां मतलब ऐड करके एक मोटी जो डोरी है वो भी बना सकते हैं। अब हम लोग नाजरीन बात करते हैं कि आप लोगों ने ये जो प्लास्टिक की डोरी है बनानी कैसे है, क्या तरीकेकार है। आप लोगों के लिए इस वीडियो में तीन तरीके लेकर आया हूं। तीनों तरीकों में से जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगे, आसान लगे, उस तरीके से आप लोगों ने ये प्लास्टिक की डोरी तैयार कर लेनी है और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनको पैक करके सेल करना है। सेल के लिए आप लोग ऑनलाइन मेथड भी यूज कर सकते हैं और ऑफलाइन भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ये बिजनेस नहीं करना चाहते तो आप अपने घर के यूज के लिए भी ये डोरी बना सकते हैं। तो चलिए नाजरीन देख लेते हैं कि आप लोग इस प्लास्टिक की डोरी को अपने घर में कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप लोग बना बनाया एक ब्लेड परचेज कर ले, जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस ब्लेड की प्राइस सिर्फ और सिर्फ ₹180 है और इस ब्लेड को आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आप लोग अलीबाबा एक्सप्रेस विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस ब्लेड को ऑनलाइन अलीबाबा एक्सप्रेस से नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि हर बंदा तो खरीद नहीं सकता ऑनलाइन, उसको मेथड भी नहीं आता कि कैसे पेमेंट करनी है, कैसे खरीदना है, लिहाजा आप लोगों को चंद जुगाड़ बताता हूं कि जिनको इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपने घर में प्लास्टिक की डोरी तैयार करने के आलात तैयार कर सकेंगे। इन आलात को तैयार करने के लिए आप लोगों को किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आप लोगों के घर में ही चीज़ें पड़ी होंगी, उनको आप लोगों ने इस्तेमाल करना है और आप लोगों के ये जो आलात हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये वन बाई वन आप लोग जो जुगाड़ हैं वो देखते जाएं, जो आप लोगों को पसंद आए वो आप लोग अडॉप्ट कर लीजिएगा और आप लोग अपने घर से ही प्लास्टिक की जो इस्तेमाल शुदा बोतलें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए प्लास्टिक की डोरी बनाएं और उनको पैक करें, सेल करें, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो इंशाल्लाह आप लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है अच्छा खासा कमाना शुरू कर देंगे। कमाई करनी है तो फिर भी ठीक है, अगर कमाई नहीं करनी तो आप लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी ये डोरी या रस्सी तैयार कर सकते हैं। तो वन बाई वन ये तमाम तरीके आप लोग देख सकते हैं। Thank you.
पहले मैंने आरी के साथ इस वुडन पे ऐसे कट लगाया, उसके बाद जो हमारा ब्लेड है। तो ये ब्लेड आपका कौन सा ब्लेड है? सर्जिकल ब्लेड। वही चाहिए होगा या कोई भी? कोई भी ब्लेड हम यूज कर सकते हैं इसमें, बस थोड़ा हार्ड होना चाहिए। उसके बाद हमने जो स्क्रू लगाना है वो ब्लेड के पीछे वाली साइड लगाना है इस तरीके से। क्यों? ताकि हम जब बोतल को खींचें तो ब्लेड बाहर ना आ जाए। ओके। उसके बाद एक स्क्रू इस साइड लगेगा और एक स्क्रू इस साइड लगेगा। हमें ट्राई करना है कि स्क्रू थोड़ा अंदर की तरफ ही लगे। अंदर की तरफ ही लगे मतलब? मतलब ब्लेड के अंदर वाली साइड। अच्छा। ताकि ज्यादा दूरी ना हो और ब्लेड ऊपर ना जाए। ओके, मतलब बीच में कट के जितना पास हो, कट के जितना पास हो सके। उसके बाद बस हमने स्क्रू कस देने हैं और ये हमारा टूल तैयार। सबसे पहले हमको बोतल लेके प्लास्टिक की, उसको नीचे से उसका बेस कट कर देना है। फिर उसके बाद नीचे से हल्का सा ऐसे थोड़ी सी शेप हम निकालेंगे इसकी बाहर। फिर ये जो हमने टूल बनाया है प्लास्टिक की, ये थोड़ी सी स्ट्रिप बाहर निकाली थी, हम इसके ब्लेड के आगे वाले हिस्से से अंदर डालेंगे। एक बार जब अंदर आ जाएगी हमारे पास खींचने के लिए मिल जाएगा हमको। तो जब हम इसको खींचेंगे तो ये ऐसे रोप की तरह बोतल कटती जाएगी। सही यार। और ये है जो थ्रेड बन रहा है। तो एक बोतल का लगभग कितनी देर में बन जाएगा ओंकार थ्रेड? वन मिनट भी नहीं लगते हैं। एक बोतल? हाँ जी, वन मिनट के अंदर ये एक बोतल कट होके रोप बन जाएगा।